हाय गाइस, तो आज का टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाए, कब बनाए और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका यूज कैसे करें। तो आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट पे बताऊंगा कि सब्जेक्ट में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसका यूज कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स कुछ होता नहीं है, फिजिक्स में होते हैं फॉर्मूला शीट्स। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट अच्छे से बनाना है। आपको कैसे बनाना है, जैसे जैसे फॉर्मूला आपके लेक्चर में होंगे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है एक अलग से कॉपी में। आज लेक्चर लेकर आए, अच्छे से जितने सारे फॉर्मूला है उसको एक तरफ लिख लिया अच्छे से, और इसी तरह करते करते आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। अब बात रही कब बनाना है, तो मैं तो बोलूंगा क्लास के चलते चलते साथ में बनाते जाएं। जैसे जैसे क्लास चल रही है वैसे वैसे आप अपना फॉर्मूला शीट बनाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्मूला शीट बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बात रही थ्योरी, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा एक अलग से कॉपी बना लीजिए फिजिक्स में, और उसमें जितने सारे थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, उसको एक कॉपी में अच्छे से इकट्ठा करके लिख लीजिए। क्योंकि हर साल नीट में 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते ही आते हैं। और थर्ड पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट होने बाद इसको यूज कैसे करें। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे जैसे कोई चैप्टर चल रहा है, लेक्चर ले रहे हैं, उसके साथ साथ ही आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके पीवाई की ओर से अच्छे से कर लें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा एग्जाम का। आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है अच्छे से, ताकि हर एक फॉर्मूला आपको याद रहे। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूला बेस पर आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है। और अपने थ्योरी कॉपी जो बनाए हुए हैं अलग से, उसको भी बार बार जैसे रिविजन कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो टेस्ट के थ्रू ही हो ही जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप जितना हो सके उतना टेस्ट दें, और टेस्ट के थ्रू ही आपका फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको फिजिक्स में कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला शीट बनाया था, जैसे फिजिक्स में बनाया था, आपको भी बनाना है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की थी। काफ़ी बच्चे होते हैं, बोलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करने का मन नहीं करता केमिस्ट्री का, बट बिलीव मी 3 से 4 क्वेश्चन उससे भी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते ही आते हैं एनसीईआरटी से। इस बार भी आए हैं, तो एटलीस्ट आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। जब भी आप रीडिंग करने बैठे, एक कॉपी लेकर साथ में बैठे, और जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने लायक है, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ना ना पड़े। पता है बहुत बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस ज्यादा नहीं, आपको बस एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। एक बार अच्छे से किताब लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, और जितने सारे पॉइंट है उसको कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपने कॉपी में जो नोट डाउन किया था, शॉर्ट नोट बनाया था थ्योरी का, उसको बार बार रिविजन करना है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम उसी तरह जैसे फिजिक्स में बताया था, सिलेबस कंप्लीट होने से पहले जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूला रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि इस बार जो हीलियम वाला क्वेश्चन एक आया था, किसी ने नहीं सोचा था क्वेश्चन वहां से आने वाला है। तो इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी को ही प्रीफर किया, एनसीईआरटी को ही बार बार रीडिंग किया, और इसके लिए मैंने इंटेक्स एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज को भी अच्छे से बनाया था। क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत बार बैक एक्सरसाइज से और इंटेक्स एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ टीचर्स के नोट ही रिविजन करता हूँ, और टीचर के नोट में सारे एनसीईआरटी है। आई नो टीचर के नोट में सारे एनसीईआरटी होते हैं, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं तो टीचर्स का नोट्स बनाइए, ये आपके लिए फायदा ही करेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बट आप जब रिविजन करने बैठे तो एनसीईआरटी को ही रीडिंग करें। बहुत बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है, बट बिलीव मी जो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ेगा बार बार उसका सिलेक्शन होगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि समय भी कम है, तो आप कोशिश कीजिए टीचर्स के नोट्स को सिर्फ यूज करें। और कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रही है, तब आप टीचर के नोट पे जाएं, और नोट्स में देखें कि भी टीचर्स डिटेल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी कौन सा पॉइंट में कैसे समझाया गया है। तभी आप टीचर्स के नोट में जाएं, वरना आप सिर्फ एनसीईआरटी को रीडिंग करें। और अब लास्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, और मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत रिएक्शन समझाया गया है ऐसे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। जो जितने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, इन सभी को मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया था। और इसी तरह मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पीवाईपी वगैरह से तो किया ही था, एडिशनल मैंने इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज भी अच्छे से किया था। तो आपको भी प्रीफर करूंगा एक्स वाई बुक में ना जाए, अगर क्वेश्चन टाइम है और क्वेश्चन और करने का मन है, तो आप बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स एक्सरसाइज को ही बना लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो शॉर्ट नोट्स आपके पास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिविजन करना है। तो
इसमें मैं बोलूंगा टीचर्स के नोट्स पे ना जाए, टीचर्स के नोट्स में तभी जाए जब कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए, तब आप टीचर्स नोट्स में जाए और वहां से समझ सकते हैं। उसके अलावा तो सिर्फ एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए या फिर अपने शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कीजिए, और जो उसमें कुछ फ्री वाले चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स उसका भी मैंने बनाया था शॉर्ट नोट्स, अगर टाइम है तो आप उसका भी बना सकते हैं, वरना आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही बार बार उसको पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करते हैं बायो पे। बायो पे भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, और बायो में भी मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है पॉइंट बाई पॉइंट, क्योंकि एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम ना लगे जल्दी से बन जाए, तो मैं प्रीफर करूंगा आप जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो पॉइंट बाई पॉइंट बनाए, एक स्टार मार्क कीजिए, एक सेंटेंस लिखिए, फिर स्टार मार्क कीजिए, फिर सेंटेंस लिखिए, ऐसा क्या है कि आपको ईजी हो जाएगा, इसी को बार बार रिविजन कीजिएगा तो आपको माइंड में सेंटेंस बाई सेंटेंस याद रहेगा और वही सेंटेंस एग्जैक्ट नीट में आते हैं, तो उस तरह आपका एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ही कम होंगे। और उसमें भी मैं बोलूंगा जब आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करें, और डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही रिवीजन कीजिए, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बोलूंगा आप पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू भी सिर्फ 2020 से 23 तक कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। बायो के लिए मैं एक और चीज़ प्रीफर करता हूँ कि बायो के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि अगर आप रिवीजन बार बार अच्छे से कर लीजिएगा तो क्वेश्चन तो अल्टीमेटली बनना ही है, इसलिए मैं भी जब बायो करता था बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही कम करता था, सिर्फ रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करता था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान देता था अच्छे से। एंड ओवरऑल अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है पॉइंट बाई पॉइंट, चार्ट फ्लो में नहीं बनाना है, जहाँ पर चार्ट फ्लो बनने लायक हो वहीं पर सिर्फ बनाए, बाकी कोशिश करें पॉइंट बाई पॉइंट सेंटेंस बाई सेंटेंस शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि एसर्शन रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन सही हो जाए। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 से 3 महीना बचेगा, उसमें आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को रिविजन करना है और टेस्ट देना है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आपका टेस्ट के थ्रू ही हो जाएगा। एंड लास्ट एक और चीज, बहुत बच्चे बोल रहे हैं समय नहीं है या फिर नोट्स बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं अपना शॉर्ट नोट्स हमें टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दिया हूँ सारा, आप वहाँ से मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हैं, और अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स को टाइप करवा कर अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको प्रिंट करा कर मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज करके आप रिविजन कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पर बनाऊंगा। तब तक के लिए शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।